तो वो विल स्टार्ट एक्चुअली। अभी तक हमने बेस का ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेशन यूजिंग सी प्लस प्लस का बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ चीजें हमने सीखी है, जैसे कैसे क्लास बनाते हैं हम और कैसे क्लास में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो है वो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उन फिर हम एक क्लास की जो फंक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा एक कंस्ट्रक्टर जो होता है, एक फंक्शन एक होती है जो बिल्कुल एक उसी तरह की होती है, उसकी ना उसका नाम जो होता है आइडेंटिकल होता है एज दैट ऑफ द क्लास, क्लास के नाम के जैसा होता है। हमने देखा जो ही एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही एक क्लास की जो कंस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद कॉल होता है। ठीक है, हमें बहुत सी चीजें अभी देखनी है बाकी है। हम आज जिन चीजों पर ध्यान देंगे थोड़ा सा जो है क्लास में और भी चीजें जो हम कर सकते हैं उनमें एक चीज है कि अभी तक जो हमने की नहीं, हमने एक यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ सम इंट ए इंट बी। तो मैं अभी तक क्या करता आ रहा हूँ, मैं पब्लिक लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे बाकी जो मैं मुझे जो भी करना है, सपोज मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ फिलहाल इसमें खाली एक मैसेज होगा, फिर हम उसके बाद सपोज मुझे जितनी भी फंक्शन मैंने यूज करनी है, सपोज मुझे एक फंक्शन यूज करनी है वाइड सेट जिससे मैं डेटा को सेट करता हूँ, एंड मुझे एक और फंक्शन यूज करनी है सपोज इंट गेट जिससे मैं रिजल्ट सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर जो हमारी हमारा प्रोग्राम है ऑब्वियसली तो इसका रिजल्ट निकालता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये फंक्शन खाली रखी है, इनमें मैंने कुछ नहीं रखा, अभी कुछ देर के लिए मैं इनको खाली रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो फंक्शन है, ऑब्वियसली ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ये मेरी क्लास का ओवरऑल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। यहाँ पे क्लास का नाम, फिर मेरे पास दो मेंबर डेटा मेंबर्स हैं जिन्हें हमें सिर्फ वेरिएबल्स है इंटीजर टाइप जिन्हें हम डेटा मेंबर्स हैं हम बोलते हैं, फिर पब्लिक डिक्लेरेशन है और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर क्योंकि इसका नाम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे क्लास का नाम है। फिर हमारे पास दो फंक्शन है, एक सेट एंड एक तो गेट। ठीक है, तो अभी हमने इनमें किया कुछ नहीं, हम इसे इसके बाद क्या करते थे जो अभी तक जो हम चीजें करते आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो भी उसका नाम रखेंगे हम। ठीक है, फिर हमें जो भी काम करना है, सपोज इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही सम को तो खुद ही कॉल हो जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद जो चीजें होंगी जैसे सपोज हमें सेट को कॉल करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट से सेट को कॉल करेंगे, गेट को कॉल करना है तो इस ऑब्जेक्ट से ही हम गेट को भी कॉल कर सकते हैं। यानी जो प्रॉपर्टीज है क्लास की, यानी जो इसमें जो काम हो रहा है तो हम ये ऑब्जेक्ट से ही उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि सपोज अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हमें 10-20 फंक्शंस और लिखनी हैं, यहाँ पर तो हम तीन ही फंक्शंस लिख रहे हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर उसके बाद दो फंक्शंस लिख रहे हैं, सपोज ये दो फंक्शंस हम लिख रहे हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दो फंक्शंस हम लिख रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, हमें बहुत बड़ी बहुत सारी फंक्शन लिखनी पड़ेगी एक क्लास में, और ये भी हो कि एक एक फंक्शन बहुत उसमें कोड लाइंस ऑफ कोड बहुत सारा हो, तो ओवरऑल हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो मैसअप हो जाएगा। मैसअप इन द सेंस कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर हमने ये क्लास यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कोड भर जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं ये फंक्शन सपोज वाइड सेट यहां पे डिक्लेयर करूं, यहां पे डिक्लेयर करूं, यानी मैं इसको बोलूं कि इसकी एक फंक्शन ऐसी है जिसका नाम वाइड सेट है, या इसकी एक और फंक्शन है जिसका नाम वाइड गेट है, मैं इनको डिक्लेयर करूं यहां पे और इनको क्लास के बाहर अच्छे से अलग अलग करके डिफाइन करूं। क्या ऐसा तरीका C++ में है? बिल्कुल C++ में ऐसा तरीका है
हम यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस है, अगर हमारे क्लास में बहुत सारी फंक्शंस होती है तो हम उनको क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं। हम ये क्लास में हम डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन जो उनको करेंगे क्लास के बाहर करेंगे। लेकिन हमें जब हम क्लास के बाहर इसको डिफाइन करेंगे तो देयर शुड बी अ वे, देयर शुड एक तरीका होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये इसी क्लास का है, यानी ये इस क्लास की फंक्शन है। ठीक है, तो क्या तरीका है? सपोज ये सेट फंक्शन है, मुझे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की खाली, इसका मतलब मैंने डिक्लेयर की एक फंक्शन है, तो अब मुझे इस क्लास के बाहर इसको डिफाइन करना है। तो कैसे किया जाएगा इसको? ठीक है, तो इसमें जो तरीका है, इसमें जो तरीका वो ये है कि हम लिखते हैं पहले इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है void। ठीक, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पहले रिटर्न, पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, फिर लिखते हैं हम क्लास का नाम। फिर ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, सपोज फंक्शन का नाम तो है सेट, तो सेट। ठीक है, फिर जो भी हमें, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन नेम। ठीक है, फिर हमारी फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट होगी, अब मैं इस सबको फिलहाल एक्चुअली कमेंट बनाऊंगा ताकि हमें ये पता चले। तो क्या करना है, पहले रिटर्न टाइप लिखना है उस फंक्शन का जो हमने डिक्लेयर की है। याद रखना, हमें डिक्लेयर करना है, हमें क्लास में वो चीजें, वो फंक्शन पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यानी हमें बताना पड़ेगा कि हमने कहीं और पे, कहीं बाहर, क्लास के बाहर ये फंक्शन डिफाइन की है। इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, और डिफाइन करेंगे यानी ये क्या काम कर रहा है वो हम बाहर करेंगे क्लास के बाहर। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसका रिटर्न टाइप वाइड है और उसका नाम सेट है। ठीक है, तो मैंने इसको डिक्लेयर किया यहाँ, ऐसे ही इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, उसका नाम गेट है, तो यहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर किया। अब ये क्लास तो मेरा बंद हो गया, क्लास तो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इस क्लास के बाहर चाहता हूँ कि मैं इन फंक्शन उसको यूज करूँ, तो कैसे करते हैं, मैंने एक तरीका बताया। पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप उनका क्या है, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ये इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके बारे में हमें और भी जानना है, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें इस सेट फंक्शन का यहाँ पे लिखना, डिफाइन करने, तो कैसे करेंगे? पहले रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप है void। ठीक, हमने रिटर्न टाइप लिखा, फिर क्लास का नाम लिखो, क्लास का नाम है सम। ठीक, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड फिर फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम है सेट, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे इस फंक्शन में काम करना है, सपोज मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं फिलहाल के लिए लिखूंगा सेट फंक्शन। इस सेट फंक्शन जो मैंने क्या किया, इसको सेट फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, इसको बोलते हैं अब डिफाइन करना। ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन। तो यहां पे मैंने इसको डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन किया, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और यहां पे मैंने इसको डिफाइन किया, मैंने बोला इसके इसमें जो काम करना है, क्या करना है इस फंक्शन में, ये काम कर रहे हैं। फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम स्ट्रिंग आउटपुट कर रहे हैं, एक मैसेज कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने दूसरी फाइल, एक फंक्शन जो है डिक्लेयर की थी क्लास में, इंट गेट। तो पहले क्या हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप इंट है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे, मैंने इसका दिखाया एक तरीका, फिर हम दिखाते लिखते हैं क्लास का नाम, फिर क्लास का नाम है सम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है गेट, तो मैंने गेट लिखा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं इसमें लिखूंगा इसका गेट फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, इससे पहले मैं ये कोड जो है मैं यहाँ पे लिखता था, क्लास में ही लिखता था, डिक्लेयर और डिफाइन एक ही जगह करता था, वहीं पे डिफाइन करता था इसको विद इन द क्लास। इससे क्या इशू था? इससे कोई इशू नहीं था, छोटे छोटे प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ही मेरे प्रोग्राम बढ़ते जाते हैं, जो ही मेरा कोड बढ़ता जाता है, अगर मैं सारा का सारा कोड क्लास में ही लिखूं, फंक्शन सारी की सारी फंक्शन उनकी डिफिनेशन क्लास में ही लिखूं, तो मेरा क्लास जो है थोड़ा सा मैसअप हो जाता है।
तो सी प्लस प्लस में एक आसान तरीका है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करो विद इन द क्लास और उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करो। फिर ऑब्वियसली जो जो डिफिनेशन हम विद इन द क्लास करेंगे उनको बोलते हैं इनलाइन। इनलाइन के बारे में हम आगे और जानेंगे कि क्या फर्क है, यहाँ इनलाइन में क्या खुशियत है, वो इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं वो हमें जानना है आगे। फिलहाल के लिए ये आप याद रखो, अगर मैं यहीं पर ही डिफाइन करता हूँ विद इन द क्लास उनको बोलते हैं इनलाइन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे खाली डिक्लेयर किया, ये दो फंक्शन डिक्लेयर किया और आउटसाइड ऑफ द क्लास मैंने इनको डिफाइन किया। लेकिन मैंने इनको सेट किया कि मैंने इनको यहाँ पे बता दिया कि ये इस सम फंक्शन सम क्लास की फंक्शन है, यानी ये जो दो फंक्शन है, ये जो दो फंक्शन है ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है बल्कि ये इस सम फंक्शन की क्लास है, क्योंकि मैंने इनमें यहाँ पे इनकी जो डिफिनेशन है इनकी डिफिनेशन का एक डिफरेंट तरीका लिखने का है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो ये है। पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, जैसे यहाँ पे void है, फिर क्लास का नाम, फिर हमारी क्लास का नाम सम है, और फिर फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन का नाम लिखते हैं। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फंक्शन पे काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम इस पे किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हम इन दो फंक्शन को, यानी हमारे पास जो ये दो फंक्शन है सेट और गेट, क्या हम इनको कॉल कर पाते हैं। ओब्वियसली हम अपने मेन वाली फंक्शन में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है तो ओबीजे डॉट हमारे पास से सेट सेट को कॉल किया और क्योंकि हमने जो गेट हमारी फंक्शन है वो रिटर्न करते तो इसमें मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, इसमें मैं रिटर्न करूंगा फिलहाल सपोज रिटर्न वन, मैं रिटर्न कर रहा हूँ वन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट सेट obj dot get। तो क्या होना चाहिए, जो ही ये प्रोग्राम रन होगा क्या होना चाहिए, पहले मैं सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास सम में एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, एक फंक्शन है हमारे पास तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, यानी मुझे ये प्रिंट आउट आना चाहिए वहां पे कंस्ट्रक्टर। ठीक, ओके, या ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ कॉल सेट को कॉल कर रहा हूँ तो इस सेट को कॉल होना चाहिए, हालांकि सेट मैंने डिक्लेयर किया है विद इन द क्लास लेकिन डिफाइन किया है आउटसाइड द क्लास, तो ये मुझे लिखना चाहिए सेट फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ये मुझे ये स्ट्रिंग आनी चाहिए। फिर मैं सी आउट कर रहा हूँ सेट फंक्शन या गेट, एक्चुअली गेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर गेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहां से रिटर्न, क्योंकि रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, मैंने रिटर्न फिलहाल वन किया तो रिटर्न करना चाहिए वन, यानी मुझे यहाँ पे लिख के आना चाहिए गेट फंक्शन और उसके बाद वैल्यू वन। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ऐसा ही होता है, हम इसको कंपाइल करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे पब्लिक टाइप हो गया है, इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आया तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अभी हम इस क्लास को थोड़ा सा बंद करेंगे, तो हमारे पास जो आया, हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट डॉट सेट, तो सेट को कॉल हुआ सेट फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ओके गुड। उसके बाद आ रहा है सी आउट गेट फंक्शन, तो गेट फंक्शन वहां से हमने रिटर्न किया था वन तो वन का वैल्यू आ रहा है हमें, यानी हम इन दो दो फंक्शंस को जो हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन की थी, हमने इन दो फंक्शंस को आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन किया था लेकिन हमने इसको एसोसिएट किया था दोनों को सम क्लास के साथ,
क्योंकि सम क्लास में हमने इनको डिक्लेयर किया था, हमने डिक्लेयर किया क्लास में इनको, और आउटसाइड द क्लास हमने इनको डिफाइन किया, तो फिर भी लेकिन हम इनको कॉल कर पाए यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब फंक्शन, अगर हमारे पास बड़ा प्रोग्राम होता है, जो ही प्रोग्राम्स कोड लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएगी और फंक्शन बड़ी होती जाएंगी, तो वो फंक्शन जरूरी नहीं है हम उस अपने क्लास में ही डिफाइन